हाय एवरीवन, वेलकम है आपका समद किचन में। आज की हमारी बकरीद स्पेशल रेसिपी है स्पाइसी गुर्दा कलेजी, जो कि देखने में जितनी खूबसूरत लग रही है खाने में भी उतनी ही मज़ेदार है और बनाने में है बहुत ही इजी। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो करें सब्सक्राइब समद किचन को और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें, से आपको मिलेगी मेरे सारे वीडियोज़ की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले। और स्पाइसी कलेजी गुर्दे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 300 ग्राम कलेजी और गुर्दे दोनों हैं इसमें, कलेजी भी है और गुर्दा भी है। और यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, ये है 4 हरी मिर्च कटी हुई, ये भी 4 लाल मिर्च है कटी हुई सूखी लाल मिर्च, और ये है 1 चम्मच गरम मसाला, ये थोड़ी हरी धनिया कटी हुई, और ये नींबू का रस और नमक। तो चलें हम इसको बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून सरसों का तेल लेके गरम कर लिया और ये अच्छी तरह से गरम हो चुका है। अब इसमें कलेजी गुर्दे डाल के हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे करीब 5 से 7 मिनट धीमी आंच पे। तो अब ये हमारा फ्राई हो गया है और गुर्दे कलेजी में अब हम डाल देते हैं लाल मिर्च और इसके साथ साथ भी थोड़ी देर भून लेते हैं करीब 1 से 2 मिनट तक, क्योंकि ये हमारी स्पाइसी कलेजी है तो इसमें ये अच्छा सा फ्लेवर इसका उतर आएगा मिर्च का। इसके साथ भी हम फ्राई कर लेते हैं इसको। और अब डालेंगे हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हरी मिर्च, ये नींबू का जूस और नमक। इसके साथ भी हम इसको अच्छी तरह से सौटे करेंगे और भून लेंगे। अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब मैं इनको करीब 1 कटोरी पानी डाल के इसको गलने के लिए छोड़ देती हूँ धीमी आंच पर। आंच को धीमी रखें हम और इसको ढक्कन लगा दें और इसको गलने दें। तो 10 मिनट हो चुका है गुर्दे कलेजी को गलते हुए, और पहले भी हमने काफ़ी फ्राई किया था तो मुझे लगता है कि ये गल गई होंगी, तो मैंने चेक कर लिया है ये गल चुकी हैं। अब हम इनमें इनको और भूनते हैं और आगे के मसाले, और इसमें डालेंगे ये गरम मसाला और इसकी करेंगे भुनाई। तो आपने देखा कितनी आसानी से ये हमारी डिश ये भी तैयार हो रही है और कितने कम मसालों के साथ। अच्छा, कम मसालों का मतलब ये नहीं है कि आप सोचें कि डिश मज़ेदार नहीं होगी या क्या, तो उसके लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा। तो एक बार ज़रूर बना के देखें फिर मुझे बताएं कि ये डिश कैसी है। और समद किचन की खासियत ही ये है स्मार्ट कुकिंग, यानी कि आपको बहुत कम मेहनत करना पड़े और आपकी डिश बिल्कुल आएगी, बिल्कुल अलग मज़ा होगा, बहुत ही मुख्तलिफ टेस्ट होगा और बहुत अच्छा टेस्ट होगा इसका। तो ये कलेजी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत अच्छा टेस्ट है। अब मैं थोड़ी सी धनिया भी इसमें डाल देती हूँ और इसकी हीट बढ़ा लेती हूँ, आँच को थोड़ा सा मैं बढ़ा लेती हूँ और मीडियम पर कर लेती हूँ, और इसको थोड़ी देर हम भून लेते हैं। कलेजी गुर्दे भून चुके हैं, अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल धीमी आंच पे करीब 1 मिनट के लिए इसको ढाँक के रख देंगे, जिससे इसका पूरा तेल निकल के ऊपर आ जाए और इसको बिल्कुल फाइनल टच मिल जाए। हो चुका है टाइम, मैं इसको खोलती हूँ और ये हमारी डिश रेडी है। अभी हम इसको सर्व करने की तरफ चलते हैं। तो ये हमारी बकरीद स्पेशल रेसिपी गुर्दा कलेजी तैयार है, और जो कि बनाने में बहुत ही आसान थी, आपने देखा इसको, तो आप ज़रूर ट्राई करें इसको, इसका टेस्ट भी बिल्कुल अलग है। और अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और करें समद किचन को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।